हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन। मैं सुमेधा बनर्जी, एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दुर्ग। हमारे मेंटर डॉक्टर निसरीन हुसैन मैम और डॉक्टर लता मेश्राम मैम के गाइडेंस और लॉकडाउन के असाइनमेंट एक्टिविटी के तहत हम स्टूडेंट्स को खुद को एक्सप्रेस करने का यह एक मौका मिला है। हमारे चैनल एक्सप्रेशन पे हमारे साथियों के कई वीडियो भी अपलोडेड हैं। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करना है, ताकि हमारे जैसे यंगस्टर उनसे इंस्पायर हो सके। मैंने अब तक अपने इंटरव्यू एंड इंटरेक्शन सेशन में डॉक्टर एस कुजूर सर, बीएमओ खड़गावा और फैज़ा हुसैन, यूथ मीडिया प्रोफेशनल एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू लिया है, जिसमें हमें कई लाइक्स एंड व्यूज़ मिले हैं। आज मैं सुमेधा बनर्जी आपको एक ऐसी ही हस्ती से रूबरू करवाने जा रही हूँ, जो है डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, दुर्ग छत्तीसगढ़। आपने 1994 में असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी के रूप में अपनी सेवाएं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में आरंभ की, तथा VYT PG कॉलेज दुर्ग में आप कार्यरत थे। 2020 में डॉक्टर श्रीवास्तव सर ने हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग में एज अ डीन स्टूडेंट वेलफेयर ज्वाइन किया। आपके सिंपल नेचर पर हार्डवर्क और डेडिकेटेड क्वालिटीज़ के कारण आज स्टेट में आप एक जाना माना नाम हैं। चलिए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल एक्सप्रेशन पर स्वागत है। सर सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगी कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर की पोस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, जैसा नाम से ही है कि स्टूडेंट्स का वेलफेयर, मतलब विद्यार्थियों का सभी चीज में उनकी जो है वो सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो उनकी रिजल्ट से संबंधित बातें हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एकेडमिक हो, उन सब के बारे में यदि विद्यार्थियों के विकास से संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं, वो काम होता है डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का। और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का एक और बड़ा काम होता है कि यदि विद्यार्थियों की कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए मार्कशीट्स में गलत नाम लिखा गया या डिग्री में कोई दिक्कत आ गई, या किसी प्रकार के विद्यार्थी कोई समस्या आती है, तो उसका निराकरण करना डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का सबसे मेन काम होता है। सर मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आपके कार्य क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में महाविद्यालय और स्टूडेंट्स है, आप उनके बीच बैलेंस कैसे स्थापित करते हैं? ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का बड़ा विश्वविद्यालय है और इस समय हमारे विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में 138 महाविद्यालय आते हैं, और यदि नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थियों को मिला दें तो लगभग 2,01,000 जो है वो छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। तो देखिए, ऐसा है, पूरे 2,00,000 विद्यार्थियों को तो समस्या नहीं होती है, जिनकी समस्या होती है वो लोग विश्वविद्यालय से संपर्क करते हैं, और हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि हर स्तर पे, चाहे वो महाविद्यालय स्तर पर हो, विश्वविद्यालय स्तर पे हो और व्यक्तिगत स्तर पर भी हो, विद्यार्थियों की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं हल करें। इसके लिए हम लोगों ने हेल्प डेस्क भी स्थापित किया हुआ है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में, जो छात्र नहीं आ सकते, जैसे हमारे विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में 5 जिले आते हैं कि नांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, तो अब जैसे कवर्धा दूर, विद्यार्थी को आने में 2-2.5 घंटा लग जाता है, तो उनके लिए फोन कॉल की भी सुविधा है हेल्प डेस्क में, वो फोन से भी अपनी समस्याएं बताते हैं। और हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें हमारे जो माननीय कुलपति महोदया हैं उनके मार्गदर्शन में बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कर दी, जैसे पात्रता प्रमाण पत्र है, डिग्री लेने का है, या उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, तो वो जो है वो लोग सीधे ऑनलाइन अपना फीस भी जमा कर देते हैं और आवेदन भी कर देते हैं, और हम उनको ऑनलाइन भेज भी देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उसको हल किया जा सके। सर आप हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, जिससे आज का यूथ इंस्पायर हो सके। देखिए, उपलब्धियों की जहां तक बात है, अब उपलब्धियां विद्यार्थी क्यों, हम लोगों को तब खुशी होती है कि जब हमारा विद्यार्थी जो है वो उपलब्धियां अर्जित करता है, तो एक शिक्षक का जो मस्तक है वो गर्व से ऊपर उठ जाता है। तो मेरी उपलब्धियां जो है, लेकिन अब आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ से ही हम लोग जो है वो अध्ययन, चूंकि एक शैक्षणिक परिवार में जन्म हुआ, इस वजह से घर में भी शैक्षणिक वातावरण था, तो हमने MSc MPhil की डिग्री जो है वो मेरिट पे फर्स्ट पोजीशन के साथ जियोलॉजी में
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उसके बाद थोड़ा शोध क्षेत्र में जब हम आगे बढ़े तो 1995 में 1995 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला। उसके बाद जो है वो 99 में हमने जियोलॉजी में ग्राउंड वाटर पोल्यूशन पर पीएचडी की। फिर 2008 में जो है वो कॉमनवेल्थ एकेडमिक स्टाफ फेलोशिप होती है जिसमें कि इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त होता है, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर उसी सत्र में यूजीसी की एक पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च अवार्ड जो है वो मुझे प्राप्त हुआ। और अगले साल 2009 में यूएस इंडिया फुल ब्राइट फेलोशिप एक होती है जो बड़ी प्रेस्टिजियस फेलोशिप मानी जाती है, उसमें हमारा चयन हुआ। और अमेरिका में हम 4 महीने तक वहां पर रहकर हमने अमेरिका के 12 जो बड़े विश्वविद्यालय हैं वहां पर अध्यापन का कार्य किया, अपने इनवाइटेड लेक्चर दिए। उसमें सैन फ्रांसिस्को हो गया, शिकागो हो गया, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी हो गई, हार्वर्ड हो गया, और पोर्टलैंड हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, इस तरीके के जो विश्वविद्यालय हैं वो सभी शामिल हैं। और उसके बाद 2013 में पर्यावरण पे कार्य करने के लिए मैंने 2 पुस्तकें लिखी पर्यावरण पे, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड मिला। और हाल ही में अभी 2020 में मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। तो इस तरीके से जो है वो यात्रा जारी है। और हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा भिलाई दुर्ग की जो ट्विन सिटी है उसके ग्राउंड वाटर का लेवल जो नीचे जा रहा है, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, उस पर मुझे शोध परियोजना आवंटित की गई है। तो हमारे विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो लगातार सतत प्रयासरत रहे तो आप देखिएगा कि सफलता अपने आप जो है मिलती है। सर, आज की युवा पीढ़ी को यदि आप कोई मैसेज देना चाहें तो? मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो धैर्यवान रहे। आजकल के युवाओं को हम लोग विश्वविद्यालय में भी देखते हैं, यदि 5 मिनट की भी किसी चीज में देरी हो जाती है तो वो उग्र हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, नाराजगी व्यक्त करने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको धैर्यवान होना बहुत जरूरी है, और ईमानदारी और जो कठिन परिश्रम है उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपकी सफलता का। हो सकता है आपको थोड़े समय के लगे कि अरे शॉर्टकट रास्ते से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पर कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ अध्ययन नहीं करेंगे कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। सर, लास्ट में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल एक्सप्रेशन के लिए कुछ मोटिवेशनल कहें जिससे कि हम एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स और एल्यूमिनी को बहुत ही प्रसन्नता होगी। देखिए, जो एक्सप्रेशन चैनल, जैसा मुझे बताया गया कि एमएससी जूलॉजी WW पाटनकर गर्ल्स कॉलेज जो है दुर्ग का, उनकी छात्राओं के द्वारा आरंभ किया गया है और एलुमनाई भी इसमें शामिल है, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें जो विद्यार्थियों को जो उनकी प्रतिभा है उसको उभरने का अच्छा मौका मिलेगा और अलग अलग फील्ड में वो काम कर सकते हैं। जैसे आप अभी मेरा साक्षात्कार ले रही हैं, यदि आप घर पे कोई अच्छी चीज है, हर विद्यार्थी में अपना एक टैलेंट होता है, कोई अच्छे पौधे लगा सकता है, कोई अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस की जो है वो वीडियो बना सकता है, कोई जो है वो पक्षियों के ऊपर अध्ययन कर सकता है। तो सबकी अपनी अलग अलग हॉबी, कोई अच्छी पाक कला में निपुण होगा, कोई मेहंदी अच्छा लगाता होगा, तो लेकिन ये सब चीजें हिडन रह जाती हैं। तो आपके इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक छात्र को जो है वो अपनी जो टैलेंट है उसको दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और इसमें भी देखिए वही चीज लागू होती है कि आप ऑनेस्टी के साथ और समर्पण के साथ चैनल बनाए। ऐसा ना हो कि आप सनसनीखेज बनाने के लिए ऐसे समाचार या ऐसी चीजें डालें जो थोड़े देर के लिए तो अच्छी लगे लेकिन बाद में आपके लिए वो परेशानी खड़ी करें। तो जब कभी भी आप इस चैनल में कोई भी चीज जो है वो पोस्ट करते हैं तो उसको आपको बहुत ईमानदारी के साथ, और ये देखिए कि इसको देखने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और लंबे समय तक जो है वो प्रभावशील रहे। थैंक यू सो मच सर, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना कीमती समय निकाला। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून।